दोस्तों तिरुपति से मैं जगन्नाथपुरी की लेब में बैठ गया था ट्रेन पे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वहीं पर मिलते हैं मुझे एक प्यारे से दोस्त जिनका नाम है एस मोहन। थोड़ी देर के बाद उनका स्टेशन आता है, वो मुझे कहते हैं टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद मैं दरवाजे के पास निकलता हूँ और मज़ा लेता हूँ इन नज़ारों का। थोड़ी देर नज़ारा देखने के बाद मैं चला जाता हूँ अपनी सीट पर। फिर आता है स्टेशन खुरदुरा, जहाँ पर पूरी ये भीड़ उतरने वाली थी। फिर मैं भी नीचे उतर कर इस स्टॉल से बिरयानी, वेज बिरयानी का पैकेट लिया और चला गया वापस अपनी सीट पे। मैंने ओपन किया लेकिन इतना अच्छा नहीं था, फिर भी 50 रुपये के हिसाब से ठीक था। और खाने के बाद मुझे आ जाती है नींद। उसके बाद मेरी स्टेशन पूरी भी आ जाती है, मैं उतरता हूँ स्टेशन में। बाकी फुल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मैं जंक्शन पहुंच चुका हूँ क्योंकि आया ही नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा हूँ। अब मैं चुपचाप बाहर निकल रहा हूँ। तो क्योंकि लास्ट में सबसे आखिरी वाले डिब्बे में था, तो क्योंकि आया ही नहीं, किस्मत अच्छी है मेरी। अब निकलते हैं तिरुपति की ओर। तो फाइनली दोस्तों मैं तिरुपति पहुँच चुका हूँ। तो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग? फिलहाल अभी मैं हूँ तिरुपति के ऊपर वाले ब्लॉक में, जो बिल्डिंग बना हुआ है उनके हॉल में हूँ। तो रात को यहीं पर रुका था, कल ही मैंने दर्शन कर लिया था। फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है यहाँ पर ले जाना। तो बाकी कुछ इस तरीके का हॉल है और मैं यहीं पर रुका हुआ था। और अभी मुझे निकलना है, अभी फ़िलहाल तो जो तिरुपति बालाजी है वो तिरुमला में है। अभी मुझे नीचे निकलना है तिरुपति में, और वहाँ से मुझे जगन्नाथपुरी की तरफ जाना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको भी दिखाऊँगा यहाँ का। बाकी फ़ोन वगैरह तो लेके नहीं गया था। बाकी कुछ इस तरीके का है हॉल वगैरह, काफ़ी बड़ा हॉल है। तो हॉल वगैरह काफ़ी बड़ा है। अब निकलते हैं और नीचे की तरफ, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह भी करना है मैंने। तो चलिए बाहर चल के मिलते हैं आपसे। तो मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर भी कुछ इस तरीके का मार्केट वगैरह देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये है कुछ चाय वगैरह के, नाश्ते वगैरह के लिए पूरा मतलब यहाँ पर स्टॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, जहाँ से मेन मंदिर का है जो एंट्रेंस वगैरह है वो दिखाने के लिए। फिर मुझे वापस यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से नीचे की तरफ मुझे तिरुपति के लिए जाना है। ये जो एरिया है ये तिरुमला है। बाकी यहाँ पर होटल वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मंदिर की तरफ से बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पर हॉल वगैरह और लॉकर रूम प्रोवाइडेड है। तो वो सारे के सारे फ्री में है। और बाकी यहाँ पर नीचे जो मेन मंदिर से लेकर जहाँ मतलब ऊपर तक फ्री बस सेवा भी चलती है। तो कुछ इस तरीके का बस है जो ये आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का। तो ये सारे के सारे बस फ्री है ये मंदिर की तरफ से। बाकी यहाँ पर स्टॉल वगैरह बने होंगे। बाकी चलते हैं नीचे मंदिर की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों जो सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकते तो वो बस से भी आ सकते हैं। तिरुपति से डायरेक्ट बस मिलती है ऊपर तिरुमला के लिए, तो वो लोग बस से भी आ सकते हैं। 90 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा बस से। बाकी यहाँ से ऐसे छोटे छोटे जीप वगैरह भी चलते हैं तिरुपति के लिए, और स्पेशियो गोल्ड वगैरह भी चलते हैं। तो आप जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप ऊपर आ सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे पहुँच गया हूँ, और यहाँ से पूरा पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरा का पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मंदिर का। तो देखते पहले ऐसे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मार्केट है। थोड़ा सा कम से कम यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मैं पैदल ही तय कर रहा हूँ। तो चले नीचे चलते हैं। तो दोस्तों मैं सर्कल पे आ चुका हूँ नीचे तिरुमला के सर्कल में। और यहाँ देखो आप, इतनी प्यारी स्टैचू बना रखी है भगवान की। दोस्तों यहाँ पर भगवान की इतनी प्यारी स्टैचू बना रखी है, बाहर ही देखो। तो ये बहुत ही प्यारी स्टैचू बना रखी है तिरुपति बालाजी की। वाह, बहुत ही प्यारी स्टैचू है, जहाँ पर लोग भी काफ़ी फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और यहाँ की एक खास बात ये है कि लोग यहाँ पर आने के बाद जो अपना बाल है यहाँ पर मुंडवाते हैं, और जो बाल है वो यहाँ पर दान करते हैं। यहाँ की प्रथा है, मतलब किसी की भी इच्छाएँ पूरी हो जाती है
या कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर लोग बाल अपना दान करते हैं। तो ये तिरुपति बालाजी की खास बात है। बाकी चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक और बात पता चली, यहाँ पर एक और बस चलती है जो 120 रुपए में 6 टेम्पल यहाँ की घुमाएगी। मतलब 120 रुपए में आपको पूरा का पूरा यहाँ का जो एरिया है पूरा का पूरा 6 के 6 टेम्पल यहाँ पर घुमाएगी, जो मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से लिया नहीं। तो बाकी अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आओगे तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे गेट बने हुए हैं एंट्री के लिए, है ना। जैसे ये एक गेट है ET7 करके और वो ET6 है, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकते हो आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे गेट बने हुए हैं और ये पूरा इसके अंदर से पूरा जो एरिया है वो मंदिर का स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो है जितना भी ये ऊपर है, ऊपर का तिरुमला का एरिया है पूरा का पूरा आई थिंक मंदिर का ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी होटल्स वगैरह देखने को नहीं मिले। जितने भी थे बड़े बड़े हॉल थे वो भी मंदिर की तरफ से। बाकी ये देखिए अभी फ़िलहाल 11 तारीख तक नो टिकट्स नो दर्शन का जो ये हुआ था, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर पोंगल का फेस्टिवल चल रहा था, उसकी वजह से जगह जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो ये यहाँ पर टिकट सिस्टम कर दिया था, तो उसकी वजह से फ्री दर्शन अलाउ नहीं था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ठीक 12 तारीख को पहुँचा और 12 तारीख को मुझे फ्री दर्शन देखने को मिल गए। बाकी और दिन में भी आपको फ्री दर्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी ये टैक्सी स्टैंड वगैरह है कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं आप। बाकी वो फ्री बस है जिस बस में चढ़ के अभी मैं ऊपर जाऊँगा। तो दोस्तों जो बस बताया था 120 वाला, तो वो बस इस तरीके का दिखता है, जो 6 टेम्पल दर्शन 120 रुपीस में का जो लिखा हुआ था, तो ये 6 टेम्पल दर्शन करवाएगी आपको। ऐसे ही बस दिखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों जो एंट्री मैंने दिखा दी थी आपको, है ना, बाकी बहुत ही लंबा है। अभी मुझे नीचे तिरुपति के लिए निकलना है, तो बस यहाँ तिरुपति बालाजी का सफ़र तो आई थिंक इतना ही था, और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने लायक। बाकी जो था मैंने दिखा दिया आपको, है ना, ऐसे जिस तरीके का है नज़ारा, है ना। अब यहीं पर सर्कल पे हूँ तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बस अब निकलते हैं तिरुपति की ओर, देखते कोई लिफ्ट देता है तो। दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन के बगल में था, थोड़ा सा टाइम था तो थोड़ा सा मैं आ रहा था, तो अचानक से यहाँ पर वेंकट अन्ना का वो निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, तो देखो आप भी। तो दोस्तों मैंने पहली बार लाइफ में इतने पास से हाथी देख रहा हूँ। ये देखो ये मंदिर का हाथी है। वाओ फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच दिया यार, फर्स्ट टाइम है ये मेरा हाथी का इतना नजदीक से एक्सपीरियंस। एक चीज देखना, लोग पैसे दे रहे और हाथी उनको आशीर्वाद दे रहे, देखना अभी देखना अभी देखना आप देखना 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 ये दिया पैसा और ये आशीर्वाद दे दिया। देखो कितना ट्रेंड है, जैसे पैसा दिया हाथी ने आशीर्वाद दे दिया, और ये आई थिंक मंदिर का ही है। तो पता ये जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये श्री विष्णु जी का ही अवतार गोविंदा है, तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर भी मंदिर है करके। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था वहाँ रेलवे स्टेशन के बगल में, क्योंकि मुझे पूरी के लिए निकलना था, तो ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसे घूमते घूमते आया तो छतरी दिखा मुझे, तो उनका मतलब वो जुलूस निकल रहा था, तो जैसे ही मैं आया तो बाहर से दर्शन हो गया, तो अंदर क्या जाना, और लोग उसी दर्शन को देखने के लिए आप वहाँ टिकट वगैरह ले रहे। ये देखो अब मुझे बाहर ही हो गया, किस्मत अच्छी है यार मेरी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ तिरुपति के रेलवे स्टेशन में, 11:55 की ट्रेन है, और मेरे पास टिकट भी नहीं है क्योंकि इतना बजट है नहीं, तो बिना टिकट के ही सफ़र कर रहा हूँ।
तो अभी देखते हैं बैठेंगे कहीं अगर घुमाया तो। ट्रेन आ चुकी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है समझ में नहीं आ रहा घुसूंगा कैसे। ये देखो हर कोच में, स्लीपर में भी और जनरल में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब देखते हैं, जनरल की तरफ जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर कितनी भीड़ है। दोस्तों हमें ट्रेन के अंदर तो बैठ चुका हूँ, जनरल डिब्बा में जगह नहीं थी और ये लगेज होने के बाद तो मैं घुस नहीं पाया, तो लेकिन मैं स्लीपर क्लास के कोच में बैठ चुका हूँ। अब देखते टीटी से बात करूँगा, मैं ऐसे चला जाऊँगा करके सर, तो पूरी तक जाना है करके। अब देखते टीटी मानते हैं या नहीं मानते। तो दोस्तों आज ट्रेन रुकी है खुरदुरा पे और यहाँ से कम एक घंटे की दूरी पर पूरी है, तो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जनरल डब्बे में। अब पूरी तक ये ट्रेन आई थी खाली ही जाएगी, मैक्सिमम भीड़ यहीं तक ही थी। बाकी सर दर्द हो रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था अभी, एक बिरयानी का पैकेट लिया था, वेज बिरयानी का, मतलब वो कहने के लिए बिरयानी था वरना वो ऐसे फ्राइड राइस था, वो खाया। अब जाके थोड़ा फ्रेश होना है वहाँ पर क्योंकि 27 घंटे का सफ़र भाई झेल नहीं पाया मैं, क्योंकि ढंगे से ना सोने को मिला ना कुछ, जनरल डब्बा में आपको पता ही है क्या होता है सिचुएशन। तो फाइनली दोस्तों पूरी पहुंच चुके हम, अब मैं सीधे निकल रहा हूँ मंदिर के पास में, देखता हूँ वहाँ पर रुकने का क्या सीन है, पहले थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, चाय नहीं पिए कब से, चाय पीऊँगा पहले। दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर चाय पीने के लिए रुका हूँ, यही छोटे से ठेला है, तो यहीं पर बाहर चाय पी के, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर टेम्पल है तो वहीं आसपास देखना पड़ेगा कहीं रुकने का, बाकी स्टे ट्यून्ड। दोस्तों अभी तक रूम तो मिला नहीं है जो सस्ता बजट है, एक और जगह अपन पूछने के लिए आ रखा, आप देखते हैं यहाँ पर होता नहीं होता, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली दोस्तों रूम हमें मिल चुका है और मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था रास्ते में, और जैसे मैं पूरी से रेलवे स्टेशन की तरफ बाहर निकला तो चाय पीने के लिए निकला था मैं, तो वहाँ पर बैठा चाय ऑर्डर की, चाय पिया तो जो पर्स देखा तो पर्स था ही नहीं, मतलब रास्ते में मेरा पर्स किसी ने मतलब चोरी कर दिया। तो अच्छा हुआ मेरे दूसरे जेब में कम से कम मैंने 200 रुपये रखे हुए थे, उस 200 रुपये में से मैंने चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद मुझे रूम ढूंढने जाना था, तो अब पर्स तो था नहीं, तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया जो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो उस दोस्त को कॉल करने के बाद फिर दोस्त ने कहा कि मेरा एक दोस्त है उड़ीसा में, उसका होगा कुछ वहाँ पर, तो उसने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त को कॉल करने के बाद उसका दोस्त आया, दोस्त आने के बाद फिर एक होटल में लेके गया जिस होटल में अभी मैं रुका हुआ हूँ, तो उसी ने हर एक चीज़ कर दिया था, तो थोड़ा सा बजट भी नहीं था मेरे पास, मतलब पर्स ही चोरी हो गया तो अब पैसे का कैसे करूँगा करके, तो भाई ने ही पे कर दिया था, हालांकि उसने बोला था कि मन डालना करके ये काम मैंने कर दिया करके, लेकिन मैं फिर भी डाल रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि भाई वो उसने कर दिया, तो उसी ने कर दिया था होटल 3 डेज के लिए। बाकी मेरी बहन का ATM था तो उसने बोला था कि मतलब जब इमरजेंसी होगी तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो ATM रख ले, ये अकाउंट मैं यूज नहीं करता करती हूँ करके, तो अच्छा हुआ वो ATM मैंने अंदर डायरी में रखा हुआ था। बाकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय।